अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं बात करूँगी एक चैनल के बारे में जो कि मेरी ही तरह की हैं, जैसे मैं हूँ सेम टू सेम, वो भी वैसे ही हैं, व्हील चेयर पर होती हैं और डिसेबल हैं। तो उनके चैनल का नाम है ब्रेव क्वीन। माशाल्लाह से उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी से नवाजे और साथ ही साथ उनके पीछे लगला मुझे भी कामयाबी से नवाजे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने बगैर सब्सक्राइब किए मेरे चैनल में देख रहे हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो जी, अभी अभी मैंने ना कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने देखी। मैं उनकी हर वीडियो ज़रूर देखती हूँ और मुकम्मल देखती हूँ, मैं स्किप नहीं करती। तो जैसे ही मैंने उनकी पहले मैंने उनका थंबनेल देखा, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि उन्होंने अपने खुद क्यों बोला कि मुझे अनसब कर दें। लेकिन जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हमें सब्सक्राइब करें, हमें चाहे वो जितने भी बड़े यूट्यूबर हो जाए, लेकिन फिर भी उनका यही कहना था कि हमें सब्सक्राइब करें। तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मुझे अनसब कर दें? तो मैंने उनकी वीडियो ओपन की, मैंने उनकी वीडियो मुकम्मल देखी सुनी, और उन्होंने उसमें जो जो बातें बताई थी मेरे दिल को बहुत जाके लगी। क्योंकि एक ऐसा बंदा जो इतनी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत से, वीडियोस बनाना कोई आसान नहीं है, ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए जो हम व्हील चेयर पर होती हैं या होते हैं। तो उनके लिए अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो वो नॉर्मल पर्सन से हमारा जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि ये हम ही जान सकते हैं, जो हम इस तरीके से, हम जो डिसेबल है ना, ये हम ही जान सकते हैं कि हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जो नॉर्मल है, अल्लाह ताला उनको हमेशा हर तरीके से नॉर्मल रखे, वो कभी भी इस तरीके को नहीं समझ सकते कि हमें काम करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। और ख़ासकर जब हमने वीडियो बनानी होती है और कैमरे को हैंडल करना होता है, कैमरे के एडजस्टमेंट करनी ना, बहुत मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, लेकिन वीडियोज़ मैं अकेली बनाती हूँ। तो जब कभी मेरी सिस्टर्स आ जाती हैं तो वो फिर मेरी हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन माशाल्लाह से अपने अपने घर की हैं। और जब मैं इधर अकेली होती हूँ तो फिर मुझे अपना काम खुद करना होता है, मुझे कैमरे को खुद ही हैंडल करना, और कैमरे को हैंडल करते हुए अपने काम भी दिखाना है, और वीडियो क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, और सब प्रॉपर नज़र भी आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है। मैं बनाती हूँ, एक दूसरे से ना शार्ट आउट मांग रहा होता है। जो छोटे यूट्यूबर होते हैं वो बड़े यूट्यूबर से शार्ट आउट मांगते हैं, और आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। कि अच्छी बात भी है, इससे ना किसी की हेल्प भी हो जाती है। अगर आप किसी को शार्ट आउट दे देते हैं और अगर आप फ्री दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल का दौर यही है कि जो खाने लग जाता है ना, मतलब जिसको अच्छी खासी अर्निंग आ भी रही है और जिसका अच्छा खासा चैनल भी है, उसको 2,000, 3,000, 5,000 की तो ज़रूरत भी नहीं होती, वो मंथली से ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जब शार्ट आउट देते हैं ना दूसरे छोटे यूट्यूबर्स को, तो उनसे पैसे मांगते हैं, और ये बात हकीकत है। इसके मैंने भी ना एक दो चैनल से मैंने शार्ट आउट मांगे थे, और उनका चैनल मैं नाम नहीं लूँगी, नाम लेने से मुझे नहीं लग रहा कि मुझे नाम लेना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे शार्ट आउट मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे शार्ट आउट नहीं दिया था। उन्होंने कहा था जी पेड है, तो जबकि मैं पेड ना अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने ब्रेव क्वीन को भी देखा, मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और जब उनके चैनल पर व्यूज़ 400, 500 या समथिंग 800 इस तरह व्यूज़ आते थे, तो मैंने उनसे शार्ट आउट एक दिन ना ऐसे मैंने उनसे शार्ट आउट मांगा था। उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया मुझसे, सिर्फ मैंने जैसे उनको मैसेज किया मुझे शार्ट आउट चाहिए, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपको शार्ट आउट दे रही हूँ। उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मुझसे कोई और कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों आप मेहनत कर लें, या आप किसी और से ले लें, या अभी मेरा चैनल खुद का इतना अच्छा ग्रो नहीं है तो मैं कैसे आपको शार्ट आउट दे सकती हूँ। कुछ लोग शार्ट आउट देने से डरते भी हैं कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ चल जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर दूसरी तरफ चल जाएंगे। तो ऐसा मेरी ये सोच है कि ऐसा नहीं होता, जो जिसके नसीब का ना वो उसी को ही मिलता है। हम लाख कोशिश कर लें कि हम किसी से छीनने की कोशिश कर लें, हम नहीं छीन सकते। खुदा ताला ने जो रिज़्क जिसके नसीबों में लिख दिया है ना, वो दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले वो उसे छीन नहीं सकती, छीन के अपनी तरफ नहीं लेके आ सकती। तो जो मेरे हैं वो मेरे रहेंगे, हाँ वो दूसरों को देखेंगे ज़रूर, लेकिन वो फिर भी मेरे रहेंगे। जो आपके हैं वो आपके रहेंगे, वो मुझे भी ज़रूर देखेंगे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं तो वो आपकी तरफ ही रहेंगे। तो ये चीज़ है कि
लोग इस तरह ना शॉर्ट आउट नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे अभी खुद के इतने सब्सक्राइबर्स ठीक थे, 9000 समथिंग इनके सब्सक्राइबर थे उस तब, और जो व्यूज़ थे वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कितने थे। मतलब कि जैसे कि वो थी वैसे कि मैं थी, उनके दिल में ये भी डर आना चाहिए था कि अगर मेरे व्यूवर्स उस मेरी तरफ आ जाते हैं, मतलब प्रेम क्वीन के व्यूवर्स मेरी तरफ आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। मतलब कि लोग डिसेबिलिटी को देख रहे हैं ना, वो भी डिसेबल मैं भी डिसेबल, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को अपने माइंड में ना लाते हुए उन्होंने फौरन से मुझे शॉर्ट आउट दिया, और इस चीज़ के मैं उनके बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूँगी। और अब जब उनकी माशाल्लाह से चैनल उनका बहुत अच्छा हो गया है, और दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे, तो अभी भी मैंने ना उनसे ऐसे जिक्र किया था कि मुझे आप मेरे चैनल का आप अपने चैनल पर जिक्र करें, और वो फौरन से एग्री हो गई थी। उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे थे, उन्होंने नहीं कहा था कि पेड प्रमोशन होगी, बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि मैं आपको कुछ टाइम के बाद दूँगी, और उन्होंने ऐसे मुझसे कोई बात नहीं की थी। लेकिन अब वो किसी वजह से मुझे शॉर्ट आउट नहीं दे सक रही, क्योंकि वो लोग उनको तंग कर रहे हैं। और रही बात की जैसे कि उन्होंने अभी, अगर आपने नहीं देखी तो आप भी जाकर देख लें, जैसे कि उन्होंने बताया था उन्होंने कुछ चैनल्स का नाम लिया था कि उन्होंने उस चैनल को कहाँ पे शॉर्ट आउट देने के लिए उन्होंने पेड प्रमोशन का बोला, तो कहीं को वो दे सकी, किसी को वो नहीं दे सकी। तो ये चीज़ें अगर वो किसी से शॉर्ट आउट के पैसे ले लेती हैं, 2000 ले लेती हैं, 3000 ले लेती हैं, 5000 ले लेती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी उठ के ये तनकीद करनी चाहिए उन पर कि हाँ कि आपने पैसे क्यों लिए, उन्होंने भी तो दिए ना, ये बात भी तो सोचे, उन्होंने भी तो दिए ना, जबकि उनके पास थे भी नहीं। और पेड में वही लोग आते हैं जो दे सकते हैं, जो हम जैसे नहीं दे सकते हम नहीं देते, हम पीछे हट जाते हैं, हमसे कोई मांगता पेड है हम चुप करके बैठ जाते हैं। अब मैंने भी एक चैनल था उनका माशाल्लाह वो भी अच्छा चैनल चल रहा था, उनसे भी मैंने कहा था मुझे शॉर्ट आउट चाहिए, उन्होंने भी कोई बात नहीं थी की, मतलब कि उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं किए, कोई मुझसे पैसों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मेरे चैनल को विज़िट किया और उनको लगा कि मैं वाकई मुस्तहिक हूँ उनके शॉर्ट आउट की, उनके सपोर्ट की, उन्होंने मुझे फ्री में शॉर्ट आउट दे दिया, और मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और लेकिन किसी और से मैंने मांगा था तो उनको मैंने अपनी हिस्ट्री भी बताई थी कि मुझे मैं ऐसे क्यों मुझे ज़रूरत है, लेकिन उनको मैंने बहुत बार बोला था लेकिन वो कहते थे कि पेड़ चीज़ है, कि बजाय कि आप हम जैसे लोगों की सपोर्ट बने, हम जैसे लोगों का साथ दें, तो ऊपर से तनकीद करना कि आप इंसानियत से गिर गई हैं, आप इंसानियत नहीं रही हैं, आप पैसे मांग रही हैं, तो उन्होंने तो कोई नाजायज़ पैसे तो नहीं मांगे, उन्होंने तो अपने हक के पैसे मांगे हैं कि अगर उनको अभी तक यूट्यूब की अर्निंग नहीं मिल रही, अगर उनकी दो दिन की ज़रूरियत पूरी हो जाती 3000 से क्या चल जाएगा, आपका क्या चल जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके जेब में पैसे हैं, आप देख सकते हैं उसको दे सकते हैं तो आप दे दें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पीछे हट दें। हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, हमसे भी जो पैसे मांगते हैं हम नहीं दे सकते, हम चुप करके बैठे रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम शॉर्ट आउट नहीं खरीद सकते, अगर हम खरीद सकते तो आज हम यहाँ इस इतने से चैनल के पे ना होते, आज हमारा भी कोई बड़ा चैनल होता, हम भी किसी बड़ी जगह पे होते, सिर्फ इसलिए कि हम खरीद नहीं सकते और ना ही खरीदना चाह रहे हैं। मतलब कि ठीक है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है खुश हैं, जब सुनी जाएगी बार गलाही में, जब हमारी भी सुनी जाएगी हमें भी कुछ मिल जाएगा, नहीं तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कभी तो मेहनत का वो कहते हैं मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, दुआ कभी रायता नहीं जाती, तो अल्लाह ताला से दुआ है और अपनी मेहनत है लगे हुए हैं, जब सुनी जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, और मेरा तो ब्रेव क्वीन आपको बस एक ही मैसेज है लास्ट पे कि आप शाउट आउट दें, पेड दें, अगर आप किसी से कोई पेड मतलब आपको लगता है कि कोई दे सकता है आपको तो आप ज़रूर दें, आप पेड लें उनसे, और कोई गलत काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको चुप रहना चाहिए या आपको पीछे हट जाना चाहिए या आपको शॉर्ट आउट देना स्टॉप कर देना चाहिए, तो ये आपका राइट है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बस मेरा आपसे यही एक मैसेज था जो मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू दे दिया, जैसे ही मैंने आपकी वीडियो देखी मुझे बहुत दुख हुआ था, और हम क्यों आपको अनसब कर दें, हम तो मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो आपको देख देख के मोटिवेशन और लेती हूँ, क्रिकेट करती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी, मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।